हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का डी पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में ये इसमें दिया हुआ है आर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स एंड वाई। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। अब इसको अब देखना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो फोर रिफ्लेक्सिव के लिए, फोर रिफ्लेक्सिव में होता है ए ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर हो सकता है, नहीं हो सकता। एज एक्स एक्स जो है ना, एक्स कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हर सेल्फ, ठीक है। तो ये नॉट बिलोंग्स टू यहाँ लगा देंगे, देयरफॉर लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब फॉर सिमेट्री के लिए इसका फॉर्मूला ए बी बिलोंग्स टू आर है, दैट इज इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू ए। तब हम इसमें देखते हैं, इसके अंदर में है एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई है, ठीक है। और डेट इज इम्प्लाइज हम देखते हैं कि वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, हाँ, क्योंकि वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। ये सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्री। से फॉर ऑल एक्स और वाई दोनों बिलोंग्स टू किस में है, एक्स और वाई दोनों बिलोंग्स टू ए है। तो अब ये देखते हैं कि इसका ट्रांजिटिव का क्या होता है। फोर ट्रांजिटिव में फॉर्मूला है ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो डैट इज इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तब यहाँ देखते हैं एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर है, के एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, ठीक है। तब यहाँ देखते हैं वाई और जेड बिलोंग्स टू आर है, वाई और जेड बिलोंग्स टू आर है, डेट इज ये देखते हैं कि वाई इज वाइफ ऑफ जेड हो सकता है। तो देयर फॉर एक्स और जेड नॉट बिलोंग्स टू आर है, एज एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ जेड, देयर फॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हेंस आंसर लिख देंगे कि आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री नॉर ट्रांजिट। ये फाइनल आंसर है और 3 नंबर के ये सारे क्वेश्चन हैं। थैंक यू स्टूडेंट।